इंडिया के 5 ऐसे बेस्ट सलून जिनका फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नहीं आपको बताऊंगा, एक खास चीज और बताऊंगा, आपको फ्रेंचाइजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो एक ऐसा मैं मंत्र बताऊंगा जो आपके पूरे बिजनेस से लेकर परसेप्शन जो है वो चेंज कर देगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चूंकि ये बात मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे देश का सबसे जो बेस्ट सलून में आता है, सबसे पहला नाम आता है उसमें लक्मे सलून। लक्मे एक लग्जूरियस लेवल का ब्रांड है। ये इंडिया में अपने फ्रेंचाइजी को 1998 से देना इन्होंने शुरू किया है। अभी की डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके सैकड़ों फ्रेंचाइजी हैं जो कि सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो सब जगह है। यहाँ भी कुछ वैसे फ्रेंचाइजी हैं जो सक्सेसफुली रन नहीं कर रहे। क्यों नहीं करेंगे, वीडियो के एंड में जरूर आप जानिएगा। अगर लक्मे सलून का फ्रेंचाइजी लेंगे आप तो आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग 50 लाख से 60 लाख रुपया के बीच में आएगा। क्योंकि ये लग्जूरियस रेंज का सलून है, बड़े साइज में ही ओपन होता है। कम से कम इसका एरिया चाहिए होता है 1500 से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक का बीच का एरिया होता है। एंड वैसा एरिया चाहिए होता है आपको सेंटर लोकेशन में, मेन मार्केट में, मेन मॉल में, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। इंटीरियर के नाम पे बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा नंबर इसमें ब्रांड आता है वो है लुक्स यूनिसेक्स सलून। नाम तो सुन के लग रहा होगा कि अमेरिका का ब्रांड है, लेकिन खुशी की बात यह है कि लुक्स हमारे देश की ब्रांड है। बेसिकली इसके जो फाउंडर हैं वो करोल बाग के हैं। तो इंडिया का ब्रांड है, नाम है लुक्स, एंड इंडिया में अभी के डेट में बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस करता है लुक्स। लुक्स अपने आप में नाम काफ़ी है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके जो सर्विसेज होते हैं ये भी बड़े ही प्रीमियम रेंज के सर्विसेज होते हैं। इसका भी अगर आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए जाइएगा तो इन्वेस्टमेंट लगभग आपको 50 लाख से लेके 60 लाख 1 करोड़ तक जाता है। डिपेंड करता है कि किस साइज में आप ओपन कर रहे हैं। लुक्स का अगर आप छोटे लेवल का सलून ओपन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका कम जाएगा। वहीं अगर आप बड़े लेवल का फैमिली सलून ओपन कर रहे हैं तो बहुत टाइप की उसमें सर्विसेज आती है, स्पास वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पर इसका जो प्राइजिंग है वो 1.5 करोड़ तक का जा सकता है। एंड लुक्स में इस लेवल का भी सर्विसेज वो देते हैं, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई लेवल का जाए। इसके जो भी स्टाफ होते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ होते हैं जो बाल काटते हैं। सो कॉस्टिंग तो इतनी रहेगी ही रहेगी। एक छोटा सा सर्विस का प्राइजिंग मैं बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ शेविंग का कॉस्ट अगर बात की जाए लुक्स में तो वो लगभग आपको 250 से लेके 300 के बीच तक का जाता है। इमेजिन कर लीजिए, इतना तो हेयर कट भी नहीं लेते हैं लोग। तीसरे नंबर का सबसे बेस्ट सलून का फ्रेंचाइजी है गीतांजलि। गीतांजलि सलून भी लग्जरियस ब्रांड में आता हमारे देश का। गीतांजलि सलून के अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग ये 50 लाख से लेके 70-80 लाख के बीच तक का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। हर बार मैं बता रहा हूँ, ये टोटल डिपेंड करेगा कि आपका एरिया कितना है, स्पेस कैसा है, लोकेशन कैसा है। एंड किसी भी टाइप का, इस जो भी रेंज का मैं सलून बता रहा हूँ, कोई भी सलून अगर आप ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ढंग का लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो उस पर जरूर गौर कीजिएगा। गीतांजलि सलून भी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्पेस की अगर बात की जाए तो इसका भी स्पेस 1500 से लेके 3000 स्क्वायर फीट के बीच का स्पेस आपको चाहिए होता है। चौथे नंबर पर आता है जावेद हबीब। जावेद हबीब में 2-3 टाइप का कैटेगरी आता है। जावेद हबीब मीडियम रेंज पे, थोड़ा सा एक्सप्रेस करके इन्होंने लो रेंज पे भी ला दिया, 150 रुपये में हेयर कट होता है। बहुत सारे मॉल्स में देख रहे होंगे, शहर में तो ये हर मॉल में आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाता है। छोटे छोटे सलून इन्होंने ओपन किए हैं नए नए स्टार्टअप्स के लिए भी, तो इस रेंज में भी है। एंड इन्हीं का एक जो हाई लेवल का सलून है जिसमें कि लग्जरी लेवल का उसमें सर्विसेज देते हैं, वहाँ पे कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, एरिया इन्वेस्टमेंट हर चीज़ ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 40 से 50 लाख के बीच का आपका खर्चा जाएगा। वहीं अगर आप जावेद हबीब का एक्सप्रेस ओपन करेंगे, छोटे से साइज का 250 स्क्वायर फीट वाला, तो उसमें खर्चा लगभग आपका 15 लाख के बीच का जाएगा। तो टोटल डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में काम करेंगे। देखिए, शुरुआती का 3 जो मैंने बताया उसमें तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे नहीं, कुछ लोग होंगे तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप जावेद हबीब का ले सकते हैं। जावेद हबीब का ब्रांड नेम बहुत ही अच्छा है, ये पब्लिक आम जनता भी जानती है इसके बारे में, एंड अफोर्ड करने के लायक इनका रेट होता है, तो आप इसमें भी ट्राई मार सकते हैं। पांचवें नंबर पे आता है शहनाज सलून। शहनाज हुसैन का तो बहुत सारा प्रोडक्ट भी आता है। आप नॉर्मल सलून में भी गए होंगे तो आपने देखा होगा फेस स्क्रब हो गया, फेस वॉश, बहुत टाइप की चीज़ें उसका मिलता है। तो शहनाज हुसैन का भी अगर आप सलून ओपन करेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट भी लगभग 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच तक का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। एरिया स्पेस की बात की जाए तो बड़े लेवल का सलून है तो 1000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 या 3000 के बीच का आपको जगह चाहिए होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी मैंने बहुत टाइप की वीडियोज़ बनाए हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, देखिए,
कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।